सुनामी टीवी के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सहाबे कहफ का जिक्र करने वाले हैं और ये वाक्या सूरह कहफ की सूरत में अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ, जब यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की दलील मांगने के लिए आपके पास आए तो उन्होंने तस्दीक के तौर पर आपसे इन लोगों के मुतल्लिक पूछा। तब अल्लाह ताला ने पूरी सूरह की सूरत में ये वाक्या तफसील के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए। तो अगर अभी तक आपने सुनामी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। सुनामी टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, मुल्क रूम का एक बादशाह जिसका नाम दकियानूस था, उसे उसके खबरियों ने खबर दी कि किसी अजीम सल्तनत का बादशाह उस पर हमला करने वाला है। रिवायात में है कि दकियानूस ने इस खबर की तस्दीक किए बगैर ही अपनी अफवाज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उस कौम पर हमला आवर हो गया, जबकि उस कौम के बादशाह के वहमो गुमान में भी ना था कि उस पर हमला होने वाला है, लिहाजा वो कौम जंग हार गई। दकियानूस ने उस बादशाह को कत्ल कर दिया, उसकी तमाम राया को गुलाम बना लिया और उसके बेटों को अपना जाती नौकर बना लिया। दकियानूस इस कौम को अपनी परस्तिश के लिए मादा करता। लोग चूंकि कमजोर थे इसलिए वो दकियानूस की परस्तिश करने पर मजबूर हो गए, मगर बादशाह के बेटे दकियानूस को खुदा तस्लीम करने पर राजी न थे। दकियानूस इन पर जुल्म करता और हर वो कोशिश करता जिससे वो इसकी परस्तिश करने लगे। आखिरकार वो लोग मजबूरी में दकियानूस की परस्तिश करने लगे। दकियानूस ने इन्हें अपने मुख्तलिफ कामों के लिए रखा, मसलन के एक बेटे को इसने जादू सीखने के लिए भेजा ताकि वो जादू सीख कर आए और दकियानूस के लिए काम करे। दूसरे बेटे को इसने अपने जाए जरूरत के मुकाम के दरवाजे को खोलने और बंद करने के लिए रखा। इसी तरह से वो बाकी बेटों से भी काम लेता। ये लोग बादशाह दकियानूस के जुल्म से बहुत ही ज्यादा तंग थे। दोस्तों, कुदरत का करना कुछ यूं हुआ कि वो लड़का जो कि जादू सीखने के लिए जाता था, एक रोज इसे एक राहिब मिला। राहिब इसे कहने लगा कि बेटा, मैंने तुम्हें कभी इस शहर में नहीं देखा, तुम किसी आला नसब के खानदान से मालूम होते हो, तुम इस कौम में से नहीं, तो बताओ तुम कौन हो। उस लड़के ने जवाब दिया कि हम पांच भाई थे और हम बादशाह की औलाद है जिस पर दकियानूस ने हमला करके उसे कत्ल कर दिया है और अब हमें खुद की परस्तिश का हुक्म देता है। भला हम ऐसे शख्स की परस्तिश कैसे करें कि जिसने हमारे बाप को कत्ल किया हो। दकियानूस मेरे भाइयों से मुख्तलिफ काम लेता है और उसने मुझे जादू सीखने के लिए भेजा है। हम पांचों भाई एक सच्चे खुदा की तलाश में हैं कि जो हमें बादशाह दकियानूस के जुल्म से और इसके झूठे खुदाई के दावे से बचाए। राहिब कहने लगा कि मैं तुम्हें एक खुदा का पता न बताऊं कि जो तुम्हें इस तमाम अजियत से निजात दे। दोस्तों, इस कौम में बादशाह के बेटों के अलावा कुछ और लोग भी थे, वो बकरी के चरवाहे, वो भी दकियानूस को खुदा मानने से इनकार करते थे। दकियानूस इन पर भी जुल्म करता मगर किसी को कत्ल ना करवाता, क्योंकि वो चाहता था कि कोई शख्स इस वजह से कत्ल ना किया जाए कि वो इसकी परस्तिश नहीं करता। सो इस वजह से वो लोगों को जुल्म करके अपनी परस्तिश करने पर आमादा करता। इस राहब ने इस लड़के को अल्लाह ताला के मुतल्लिक बताया, दीन की तालीम दी और इसे कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ और खुदाई यक्ता की परस्तिश शुरू करो, यकीनन वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। बादशाह के बेटे को ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई और उसने ये बात अपने भाइयों को बताना शुरू की। भाइयों ने इसकी हिमायत की और कहा कि तुम जादू सीखते वक्त रोजाना इस राहब से होकर आया करो और दीन की बातें सीखा करो, फिर हमें भी बताओ ताकि हम भी दीन इलाही के मुतल्लिक जान सके और हम भी खुदाए यक्ता पर ईमान ला सके। सो ये शख्स रोज इस राहब के पास जाता, दीन इलाही सीखता और बाद में अपने भाइयों को आकर इसका बताता। हत्ता कि एक वक्त आया कि ये लोग बादशाह की कैद से भाग निकले। रात के वक्त ये निकले और रास्ते में इन्हें वही बकरियों के चरवाहे मिल गए। उन्होंने पूछा कि तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो। बादशाह के बेटों ने कहा कि हम बादशाह की जुल्म जैसी और इसके सितम गरी से भाग के कहीं दूर जा रहे हैं। हम बादशाह को मजीद खुदा तस्लीम नहीं करते, हम खुदाए यक्ता की परस्तिश करते हैं। चरवाहों ने कहा कि हम भी बादशाह के जुल्म से बहुत ज्यादा तंग हैं, हम भी
खुदाई एकता की प्रस्तिश करते हैं, सो तुम हमें भी साथ ले लो, हम भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। बादशाह के बेटों ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, तुम ऐसा करो कि अपनी बकरियां और अपना ये कुत्ता यही छोड़ जाओ ताकि ये हमारे लिए मसला न करे। चरवाहों ने ऐसा ही किया, बकरियों को और कुत्ते को वो ही बांध कर चले गए। वो रस्ते में थे कि क्या देखते हैं कि उनका कुत्ता उनके पीछे पीछे आ रहा है। बादशाह के बेटों ने कहा कि भाई अपने कुत्ते को बांध कर आओ, अगर ये हमारे साथ यूं ही रहा तो ये हमारे लिए मसला पैदा कर सकता है। जाबन कुत्ते ने अर्ज किया कि ऐ बादशाह के बेटो और ऐ हमारे मालिक, मैं कभी भी आपके लिए मसला नहीं करूंगा, बल्कि हमेशा आपकी हिफाजत ही करूंगा, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो उन्होंने कुत्ते को भी साथ ले लिया और अपना सफर शुरू कर दिया। हत्ता के सुबह हो गई, वो कहने लगे कि चूंकि अब सुबह हो गई है सो दकिया नूस के लोग हमें तलाश जरूर करेंगे, इसलिए हमें चाहिए कि अभी कुछ देर इस गार में आराम कर लें, क्योंकि रात के वक्त हम सफर पर निकले थे और अभी थकान भी हो गई है, सो हम अभी आराम करते हैं और फिर अगली रात को सफर पर निकलेंगे। तो दोस्तों, इन्होंने खुदा के दीन के लिए और बादशाह की जुल्म भरी कैद से निजात हासिल करने के लिए गार में पनाह ली और वहां पर आराम करने लगे, और इनका कुत्ता गार के बाहर बैठ गया। फिर इन पर ऐसा नींद का गलबा जारी हुआ कि जो कई सदियों तक जारी रहा। बादशाह दकिया नूस ने अपने लोगों को भेजा और कहा कि उन लोगों को यहाँ मेरे सामने पेश करो, और अगर ना पेश कर सके तो तुम्हें कत्ल करवा दिया जाएगा। बादशाह दकिया नूस इसी तरह अपने मुख्तलिफ खबरियों को, अपने सिपाहियों को इनकी तलाश में भेजता और जब वो नाकाम लौटते तो इन्हें कत्ल करवा देता। दोस्तों, कई दफा दकिया नूस की फौज इस गार के करीब से गुजरी, मगर जैसे कि वो गार इनकी नजरों से ओझल हो गई है, वो इस गार को देख ही ना पाते और वहां से गुजर जाते। यहां ये लोग इस गार में आराम कर रहे हैं, हत्ता के बादशाह दकिया नूस की मौत का वक्त करीब आ जाता है। वो इसी तरह से लोगों को भेजता है और नाकाम लौटने पर इन्हें कत्ल करवा देता है। बादशाह दकिया नूस की मौत हो जाती है और ये लोग अभी भी सो रहे हैं। हत्ता के 6-7 बादशाहों की जो के अपने दौर में आते हैं, अपना वक्त पूरा करते हैं और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मगर फिर भी ये लोग आराम कर रहे हैं। सो कई सदियों के आराम के बाद इन लोगों को जब होश आता है तो इनमें से एक के जब वो अपने कुत्ते की हड्डियों को देखता है तो कहता है कि इस वो सीधा हड्डियों को देख कर मालूम होता है कि हम काफी देर से सो रहे हैं। सो वह मालूम करने के लिए दूसरे शख्स से पूछता है कि हम कितनी देर सोए। किसी ने कहा कि एक दिन और किसी ने कहा आधा दिन, मगर किसी को भी याद न था कि वो कितनी देर सोए। फिर उन्होंने कहा कि अब हमें भूख लग रही है, सो एक शख्स को हम बाहर बाजार में बेचते हैं ताकि वो खाना लेकर आ सके। सो इन्होंने एक शख्स जिसका नाम यमलीख था को बाजार भेजा ताकि वो उनके लिए खाना लाए और वो उनकी भूख को खत्म करे। यमलीख गार से बाहर निकलता है और बाजार जाकर खाने के लिए पैसे देता है। जब दुकानदार दकिया नूस के दौर का सिक्का देखता है तो वो कहने लगता है कि भाई क्या तुम्हारे हाथ कोई खजाना लगा है, क्योंकि ये सिक्का आज के दौर का नहीं बल्कि कई सौ साल पहले का है, जब बादशाह दकिया नूस हुआ करता था। सो तुम अगर किसी खजाने के मुतालिक जानते हो तो मुझे बता दो, हम खजाना आधा आधा बांट लेंगे, मगर अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं मौजूदा बादशाह को सारी हकीकत बता दूंगा, वो खजाने को जब्त कर लेगा और तुम्हें कैद कर देगा। यमलीख ने कहा कि क्या वाकई ही दकिया नूस मर चुका है। उसने कहा कि हाँ, दकिया नूस को कब का मर चुका, और मौजूदा बादशाह बहुत ही ज्यादा रहम दिल और नरम दिल है, मगर जब वो ये जानेगा कि तुम्हारे हाथ खजाना लगा है तो इस खजाने के लिए तुम्हें जरूर कत्ल करवा देगा। यमलीख ने इस शख्स से सारी गुफ्तगू की और वो सारा वाकया इसे बयान कर दिया कि जो इनके साथ पेश आया था। ये शख्स इस बात पर यकीन करने को तैयार न था, हत्ता के लोग इनके गिर्द इकट्ठे होने लगे और ये बात चलते चलते मौजूदा वक्त के बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने यमलीख को अपने दरबार में मदऊ किया। यमलीख ने बादशाह को सारा वाकया बता दिया और कहा कि मेरे बाकी साथी अभी भी गार में मौजूद हैं। बादशाह कहने लगा कि चलो फिर चलते हैं, हम तस्दीक के लिए इन लोगों से मिलना चाहते हैं, फिर हम तुम लोगों को एक इज्जत के मुकाम पर रखेंगे। बादशाह ने कहा कि मैं भी यकता प्रस्त हूँ और मैं भी एक खुदा की बात करता हूँ, सो इसलिए तुम्हें मुझसे डरने
करने की जरूरत नहीं है। ये मलिक कहने लगा कि आप फिलहाल यही रहें, मैं गार में पहले जाता हूँ, अपने दोस्तों को यहाँ पेश आने वाले वाकये के मुतालिक बताता हूँ, क्योंकि अगर आप अपने इस लाहौर लश्कर के साथ गार में जाएंगे तो वो लोग जरूर डर कर भाग जाएंगे। सो आप ऐसा कीजिए कि आप यही रहिए और मैं उन लोगों को जाकर पहले एतमाद में लेता हूँ। जब ये मलिक वापस गार में पहुंचा तो उसने जाकर अपने साथियों को सारा वाकया बता दिया। जब उन्होंने ये वाकया सुना तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुए और डरने लगे और कहने लगे कि ये मलिक तू कौन सी मुसीबत अपने सर ले आया है, हम पहले ही एक बादशाह से जान छुड़ाकर इस गार में छुपे थे और तू एक और बादशाह को अपने साथ ले आया है जो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। वो इसी डर में थे कि अचानक इन पर फिर से नींद का गलबा आया और वो फिर वही सो गए। जब बादशाह ने देखा कि ये मलिक वापस नहीं आया, काफी देर हो गई है, तो वो अपनी फौज के साथ इस गार की तलाश में निकला, मगर वो इस गार को तलाश ना कर सका। दोस्तों जैसे वो गार इसकी नजरों से ओझल हो गई हो, वो इस गार के करीब से तो गुजरा मगर इस गार को ना देख सका। कहा जाता है कि ये लोग आज भी उस गार में मौजूद हैं और वो गार रोम के किसी एक पहाड़ में है और ये शख्स क्यामत के रोज फिर लाए जाएंगे। सो दोस्तों सहाबे कहफ का वाकया हमारे लिए हैरान कुन और दिलचस्प वाकया है और ये हमें बताता है कि खुदाए यक्ता यानी कि अल्लाह ताला कितना अजीम खुदा है और वो किस तरह से अपने बंदों की हिफाजत करता है। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।